हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में नहीं रखा है। ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है वही लोग वापस करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। हमें इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि 370 हमें इनके ज़रिए वापस आएगा, लेकिन मुद्दा ज़िंदा रखना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर, स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो लगातार आप उठाते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा मिलेगा, और बीजेपी ने भी हमेशा कहा है कि ये तीन कदमों में होगा, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, दो कदम हो गए, डिलिमिटेशन, स्टेट, इलेक्शन खत्म, अब स्टेटहुड। तो सुना आपने, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत कर रही है। अगर वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो तो विकास के लिए प्रतिबद्ध है ही, और कश्मीर के विकास के लिए और प्रतिबद्ध है। सुनिए जरा आरपी सिंह को क्या कह रहे हैं। डिपेंड उन पे करेगा कि वह कितना रचनात्मक संबंध रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर 2047 तक देश के अग्रणी राज्यों में हो, जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है उसमें जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा हो, और जो नया कश्मीर का सपना मोदी जी का है उसमें वह हिस्सेदारी डालें, उसमें हिस्सा बने, और कश्मीर के अंदर जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए हम तो पूरी तरह तैयार हैं। और पिछले 5-6 साल में लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोशिश कर वहाँ पर पुल, IIT, IIM, एम्स, ये सब के सब सुविधाएं, स्कूल, कॉलेजेस भरपूर दिए हैं, सड़कों का जाल बनाया है, उसको और कैसे बेहतर करना है वह बताएं। परंतु एक बात ध्यान में रखें, देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए जो काम करेंगे उसमें पूरा पूरा सहयोग उनको मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप, उमर अब्दुल्ला की बोली बदल गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है, जो साथ में सहयोगी बनकर चुनाव लड़ रही थी, जिसे सोच रही थी कांग्रेस कि उनके जरिए नैया पार हो जाएगी, वो नैया तो डूब गई, और अब ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि सोचिए, सोचने का वक्त है, किस तरह से सलाह दे रहे हैं कांग्रेस को, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे राहुल गांधी, और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर यहाँ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। बीच में भी उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था, जब राहुल गांधी पहुंचे थे कन्वेंसिंग के लिए और घाटी में थे, तो ये कहा था उमर अब्दुल्ला ने इशारों में कि उन्हें जम्मू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी से कटाक्ष कर रहे थे, और अब तो नतीजे सामने आ चुके हैं। 7 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट भी हुई थी। आपको ये भी जानकारी दें, कांग्रेस 11.97% वोट शेयर के साथ 6 सीटें ही जीत सकी, 32 सीटें मिली थी, 6 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी मैजिक नहीं दिखा पाई, लोगों को अपने तरफ नहीं खींच पाई, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, और इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। नतीजे के बाद उमर ने कांग्रेस नेतृत्व को ये नसीहत दी, ये सुझाव दिया, और कहा कि हरियाणा में हार के बाद अब मंथन करना चाहिए। ये सलाह दे दी गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से सहयोगी कांग्रेस को, जहां आपको बताएं कि इसको लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे राहुल गांधी की तस्वीर हरियाणा में भी बदल जाएगी, लेकिन वहां भी खाली हाथ रह गए और यहां पर भी खाली हाथ रह गए। लेकिन आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये नसीहत कांग्रेस को दी है, कल ही दी, सुनिए जरा। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। तो देखिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला ही इकलौते नहीं हैं जो तीर चला रहे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस की हालत इस वक्त बहुत खराब है, और इतनी खराब है कि जो सहयोगी थे वह बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है
नेशनल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रीजनल पार्टीज अब आगे के जो चुनाव हैं उसमें तय करेंगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी, उनके इशारे के बाद ये तय हो पाएगा। कौन कौन सी पार्टीज अब सवाल खड़े कर रही हैं, देखिए आपने सुन लिया, उमर अब्दुल्ला तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी प्रश्न खड़े करी, जिसके साथ लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में उतरे थे और उस पार्टी का ज्यादा, समाजवादी पार्टी का ज्यादा भला हुआ एज कम्पेयर टू कांग्रेस। लेकिन शिवसेना यूबीटी भी प्रश्न पूछ रही है, जो इनके एक तरह से इंडी अलायंस के चेहरे हैं, वो अब धीरे धीरे करके कांग्रेस को साइडलाइन करने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को साथ लेकर बहुत कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। और नेशनल पार्टी कांग्रेस अब रीजनल पार्टीज के इशारे पर काम करेगी, ऐसा भी लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तस्वीर यही बार-बार चुनावों में सामने आ रही है, बार-बार ऐसा ही लग रहा है। लेकिन समझिए कि सबसे बड़ी मुसीबत अब कांग्रेस के लिए कहां खड़ी हो गई, आने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि आप समझिए कि दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसके अलावा आपको बताएं झारखंड में चुनाव है, और सब जगह जो साथी हैं धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस से मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में केवल 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस के साथी नेतृत्व को नसीहत देने लगे हैं, पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की जो आकांक्षाएं थी उस पर अब ग्रहण लग गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी। सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर खड़ी हो गई है। पार्टी को लगा था कि हरियाणा जीत के बाद अपनी शर्तों पर गठबंधन में बात की जाएगी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी के प्रदर्शन ने एक बार फिर कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। हार का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर पड़ने वाला है। कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और इसी आधार पर अपने सहयोगियों के बीच विधानसभा चुनावों से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी, लेकिन अब खराब चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को कम कर दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना आगामी चुनावों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ज्यादा सीटें जीतने के बाद सीएम के पद पर दावा करने की फिराक में है। ऐसे में अब इस हार के बाद कांग्रेस अपने लिए बार्गेनिंग करने की स्थिति में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का बाकी राज्यों में भी है, जिससे साफ है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी असफलता ने न केवल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतियों को फेल साबित किया है, बल्कि दूसरे राज्यों की गठबंधन सरकारों के अंदर भी कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।